So, यहाँ पर एक छोटा सा प्रोजेक्ट दिया गया है बच्चों को और उसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट में क्या है, प्रोजेक्ट में ये है कि हमें एक मार्कशीट डिजाइन करनी है। वो मार्कशीट कहाँ पे डिजाइन करनी है, तो ओपन ऑफिस बेस डेटाबेस पे डिजाइन करनी है। ओपन ऑफिस बेस डेटाबेस, तो सबसे पहले तो ओपन ऑफिस ओपन कीजिएगा। देखिए मैंने ऑलरेडी बेस डेटाबेस ओपन किया हुआ है, तो आपको करना क्या है, देखिए जब ओपन ऑफिस ओपन होगा तो ये सिनेरियो कुछ इस तरीके का आएगा, ठीक है। तो आपको डेटाबेस पे क्लिक करना है, ये जो डेटाबेस है ना बस इसी पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये आएगा, आपके पास अगर पहले से मौजूद कोई डेटाबेस हो तो उसको ले सकते हैं, फिलहाल हमें नया डेटाबेस बनाना है तो बस यहीं से नेक्स्ट कर देंगे। और अगर आप इसको रजिस्टर करना चाहते हैं तो रजिस्टर कर सकते हैं, फिलहाल हम रजिस्टर नहीं करेंगे। और यहाँ फिनिश पर क्लिक करेंगे, जैसे ही फिनिश पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम इसको एक नाम दे देते हैं, लाइक मार्कशीट 1 कर देते हैं, और ये हमने नाम दे दिया और एंटर कर दिया। तो यहां पर ये सिनेरियो कुछ इस तरीके का आ जाता है। अब ये हमारा डेटाबेस है, ठीक है। डेटाबेस बिल्कुल अलग होता है किस चीज से, जो आपका स्प्रेडशीट होता है उससे बिल्कुल अलग होता है। क्यों अलग होता है, क्योंकि डेटाबेस में कीज पाई जाती है। अब आपने एक्सेल में काम किया है, एक्सेल में आपको कीज नहीं मिलेंगी, लेकिन यहां पर आपको कीज मिलेंगी। और इन कीज का क्या फायदा है, उन सभी के ऊपर डिस्कस करेंगे, और पूरा एक फुल प्रूफ वीडियो में आपको देता हूं ये, जिसमें आपको सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको, देखते हैं। अब यहां से हमको डिजाइन व्यू में जाना है। ये देखिए टेबल हमें क्रिएट करना है, सबसे पहले हम डेटाबेस में टेबल ही बनाते हैं। तो यहां से क्रिएट टेबल इन डिजाइन व्यू में चले जाएंगे। जैसे ही जाएंगे ये सिनेरियो कुछ इस तरीके का आएगा। यहां पर पहले आपको दिखाई पड़ेगा फील्ड नेम, यानी आप टाइटल क्या डालना चाहते हैं। जैसे आप एक्सेल में रिजल्ट बनाते हैं ना, तो सबसे पहले रोल नंबर देते हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट देते हैं, तो वो टाइटल आपको क्या डालना है वो यहाँ पे आएगा फील्ड नेम में। दूसरा है फील्ड टाइप, यानी डेटा टाइप की बात कर रहा है, यहाँ पे डेटा टाइप आएगा और उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि ये कौन सा डेटा टाइप है, इस फील्ड नेम का क्या मतलब है, ये सब दे सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर हम दे रहे हैं रोल नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे दे देते हैं रोल नंबर, इस तरीके से रोल नंबर दे देंगे, या फिर यहाँ पे आप अंडरस्कोर लगा के लिख सकते हैं, ये ज्यादा बेटर है, ठीक है। तो ये रोल नंबर दे दिया, ठीक है। अब ये रोल नंबर कौन सा डेटा टाइप हो सकता है, यहाँ पर बहुत सारे आपको डेटा टाइप मिल जाते हैं, वैरायटी ऑफ डेटा करना है हमको, कोई एक डेटा टाइप चूज करना है। तो देखिए ये टिनी इंटीजर है, बिग इंटीजर है, इमेज है, बाइनरी पिक्स बाइनरी है, मेमो है, टेक्स्ट है, अलग अलग तरीके के डेटा टाइप आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ से नीचे स्क्रॉल करिएगा तो और भी मिलेगा, ठीक है ना, यस और नो तो उसमें भी मिलता है, डेट एंड टाइम भी मिलता है। तो ये सारे ही डेटा टाइप के नाम है, क्या है, डेटा टाइप के नाम। तो फिलहाल यहाँ पर हम चाहे तो वेर कैर रख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे रखेंगे नंबर। तो यहाँ पे नंबर रख लेते हैं रोल नंबर को। यहाँ पर एक पेज ये आता है कि यहाँ पर हमें कीज का यूज करना है, क्योंकि रोल नंबर यूनिक होगा। ऐसा थोड़ी ना है कि एक क्लास में दो बच्चे एक ही नाम के हैं तो उनका रोल नंबर भी सेम हो जाएगा, वो तो अलग ही रहेगा। तो रोल नंबर हमेशा यूनिक रहेगा, ये याद रखिएगा। यहाँ से इसको प्राइमरी की बनाना है, प्राइमरी की एक यूनिक की होती है, इसका आपको यूज करना पड़ेगा। फॉरेन की एक डुप्लीकेट की होती है, फॉरेन की का भी यूज हम इसमें देखेंगे और प्राइमरी की का भी यूज देखेंगे, दोनों देखेंगे। तो दोनों बहुत आसान है, देखिए क्या करना है, यहाँ पे रखिएगा अपने कर्सर को, माउस के पॉइंटर को यहाँ पे रख के राइट क्लिक कीजिएगा और नीचे आपका आ जाएगा प्राइमरी की। प्राइमरी की इज अ काइंड ऑफ यूनिक की, ठीक है। तो प्राइमरी की एक यूनिक की होती है, और यूनिक की क्या होती है, यानी कि डेटा इसमें रिपीट नहीं होगा, ठीक है। अब ये हो गया प्राइमरी की, हमने इसको बना दिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसका सिनेरियो कुछ ऐसा आएगा, यहाँ एक चाबी सी बन जाएगी, ये होती है प्राइमरी की, ठीक है। अब ये प्राइमरी की बन गया और प्राइमरी की आपको समझ में भी आ गया है, इसमें कोई कंफ्यूजन है प्राइमरी की में, प्राइमरी की एक यूनिक की है, ठीक है। अभी ये कंफ्यूजन आपकी और दूर हो जाएगी। अब यहाँ पे दूसरा आएगा नेम ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ नेम लिखा अंडरस्कोर लगाया ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट, तो नेम ऑफ स्टूडेंट भी दे दिया, यहाँ पे स्टूडेंट्स के नाम आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे टेक्स्ट वेर केयर ही रखते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब मार्क्स आएंगे अलग अलग सब्जेक्ट के, जैसे कंप्यूटर में अलग मार्क्स आएगा, ठीक है, यहाँ पे अलग, फिर इंग्लिश कर देते हैं, ई एन जी एल आई एस एच इंग्लिश हो गया, तो इंग्लिश में अलग मार्क्स आएगा। फिर यहाँ मैथ्स में अलग आएगा, तो एम टी एच एस मैथ्स लिख दिया, तो मैथ्स में अलग मार्क्स आएगा, एस एस टी में अलग आएगा। तो यहाँ पे सारे अलग अलग सब्जेक्ट के नाम हमने लिख दिए, ठीक है, एस एस टी होता है तो ये लिख दिया हमने। और यहां पर जब ये बात आएगी ना, तो इसको हमें क्या बनाना है, ये जो है ना इसको हमें नंबर रखना है, क्या रखना है, नंबर। तो जो भी मार्क्स आएंगे वो नंबर में ही होंगे, टेक्स्ट में तो होंगे नहीं, तो यहाँ पे नंबर ही रखना है आपको। आप चाहे तो इंटीजर भी रख सकते हैं, तो ये फिलहाल नंबर कर देता हूं,
नंबर भी चलेगा, ठीक है। तो ये इंटीजर कर दिया, डेसिमल भी आप कर सकते हैं एज योर विश, ठीक है। फिलहाल हमें डेसिमल की जरूरत नहीं, हम इसको नंबर ही रख लेते हैं, ठीक है। और यहां पर लास्ट में एक और सब्जेक्ट डाल देते हैं जो कि है साइंस, एस सी आई ई एन सी ई, साइंस कर दिया। अब इसको भी हम क्या रख देंगे, नंबर रख देंगे, ठीक है। तो ये नंबर रख दिया। अब ये देखिए प्रोजेक्ट बनाते समय एक एक आपको पिक क्लिक करके लगाना होता है, ठीक है। तो इसका आप पिक क्लिक करके लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पिक क्लिक करके लगाइए, लेकिन अगर आपको बनाने के लिए दिया गया है तो ये पहला टेबल, टेबल का ये आपको पिक क्लिक करना होगा। इसके पहले आपको इसका पिक क्लिक करना होगा। ये जब डेटाबेस ओपन हुआ है तो ये इस तरीके का सिनेरियो आएगा। अब आपको बनाना कैसे होगा, जैसे यहाँ पे आपने एक ऐसे आइकन बना दिया छोटा सा कोई स्क्वायर पैटर्न बना के, यहाँ नीचे लिख देंगे टेबल, फिर यहाँ क्वेरीज लिख देंगे बना करके, यहाँ फॉर्म लिख देंगे, यहाँ रिपोर्ट लिख देंगे, एक लाइनिंग करके ये व्यूज के नाम लिख देंगे, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना। और दूसरा तो मैंने आपको दिखाया ही है कि किस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको चलना है, समझ में आ रही है बात। तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूं दोबारा से, ये हमारा है। तो यहां तक हम ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इसको सेव करना है। सेव करने के पहले यहाँ पे आपको टोटल भी कैलकुलेट करना होगा, तो यहाँ पे टोटल कैलकुलेट करेंगे। इसका भी डेटा टाइप क्या होगा, इसका भी डेटा टाइप हमें रखना है नंबर, ठीक है। तो ये नंबर रख लिया। अब फिर यहां पर जब आते हैं तो सबसे पहले टोटल करने के बाद क्या करना होगा आपको, हमको एवरेज कैलकुलेट करना होगा। एवरेज यानी कि इसी को आप परसेंटेज के तौर पे भी देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एवरेज भी कैलकुलेट करेंगे तो ये नंबर में होगा, ठीक है ना, नंबर में रहेगा। आप इसको चाहे तो डेसिमल भी रख सकते हैं, ठीक है, एज योर विश, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल ही कर लेता हूं, तो चलिए डेसिमल कर लिया, इसको एवरेज कर लिया हमने। लेकिन अभी मैं क्या करता हूं ना, इस इन सब फील्ड्स को अभी मैं ऐड नहीं करूंगा, ये टोटल को भी ऐड नहीं करता, इसको भी हटा देता हूं। हम ऐड इसको लास्ट में चल के करेंगे, ये एक्सेस से बिल्कुल अलग है। अब देखिए एक्सेस की क्या कहानी है, एक्सेस की कहानी ये है कि यहां से आप एक्सेस ओपन करते हैं। देखिए दोनों का कंपैरिजन बड़ा जरूरी है, तो कंपैरिजन करके देखिए, ये देखिए ये एक्सेस ओपन हुआ, यहां से गए हम ब्लैंक डेटाबेस पे क्लिक किया और यहां पर आ गए, ठीक है। अब जैसे ही आते हैं तो ये सिनेरियो मिलता है, तो ये व्यू पे क्लिक करते हैं, तो यहां पर फिर मैं इसको भी नाम मार्कशीट ही दे देता हूं, मार्कशीट। अब ये एक्सेस है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, तो ये आ गए। अब यहां पर रोल नंबर आएगा, तो ये प्राइमरी की है, ऊपर प्राइमरी की बनी हुई है, यहां पर भी सेम कंडीशन है, ठीक है। यहां पे ऑटो नंबर रख देते हैं, यहां पे एक अलग से डेटा टाइप मिल जाता है, और यहां पे भी नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट, यहां पे भी नेम ऑफ स्टूडेंट्स कर देते हैं, और यहां पर भी अलग अलग सब्जेक्ट के नाम आएंगे, जैसे मैथ्स कर देते हैं, ठीक है, साइंस कर देते हैं, एस सी आई ई एन सी ई, एस एस टी कर देते हैं, यहाँ पे एस एस टी एस एस टी हो गया, और एस एस टी हो गया, एस एस टी होने के बाद यहाँ पे कर देते हैं इंग्लिश, ई एन जी एल आई एस एच, तो ये हो गया इंग्लिश, और लास्ट में कंप्यूटर कर देते हैं। इन सब का टोटल चाहिए, एवरेज चाहिए, ग्रेड चाहिए, सारा कुछ चाहिए, ठीक है। तो चलिए पहले एवरेज, पहले टोटल करेंगे हम, सबको नंबर आप बना लीजिएगा जरूर, ठीक है, ये जरूरी है यहाँ पे नंबर बनाना, ठीक है। तो इसको नंबर जरूर बना लीजिएगा, जो भी सब्जेक्ट में मार्क्स दिए जा रहे हैं उनको नंबर बना लीजिएगा। सेम वही फंडा है एक्सेस में, तो मैंने आपको पहले भी बताया है, लेकिन वहां पे नहीं बताया। देखिए यहां पर आप टोटल लिखते हैं, लेकिन वहां पर आपको टोटल लिखना नहीं होता है। वहां पे टोटल कहां लिखेंगे, जहां पे क्वेरी बनाएंगे वहां पे लिखेंगे। तो यहां पे अभी एवरेज तक आते हैं, बाद में हम ग्रेड को देखते हैं, ठीक है। तो ये एवरेज तक आएंगे, अब यहां टोटल पे आए, इसको भी नंबर बना लीजिए, और यहाँ पे एवरेज पे आइए, इसको भी नंबर बना लीजिए। ये सब हो जाने के बाद यहाँ व्यू पे क्लिक कर दीजिएगा, और ये लीजिए, ये आपका तैयार हो गया डेटा। अब इसमें कहाँ डेटा तैयार हुआ, इसको भी हमें तो देखना है। यहाँ पे साइंस तक आए हैं, यहाँ पे हमने टोटल नहीं, इसको सेव करते हैं, ठीक है। तो अब ये टेबल है, तो यहाँ पे मार्कशीट के नाम से सेव करेंगे, मार्कशीट, मार्कशीट के नाम से सेव कर रहा हूँ। अब ये सेव हो गया, अब सेव हुआ तो गया कहाँ, तो इसको पहले क्लोज करेंगे। जैसे ही इसका भी फंडा है, तो यहाँ पे आ जाते हैं सीधा। अब ये मार्कशीट नाम से बन चुका है, ये देख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब यहाँ पे आप रोल नंबर एंटर कर सकते हैं, ठीक है। नेम ऑफ स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक स्टूडेंट का नाम लिख दिया सुशील, ठीक है, और यहाँ पे 56, 67, जो भी मार्क्स आपने दिए हो वो सारे मार्क्स यहाँ पे डाले जा सकते हैं, ठीक है। तो ये डाल दिया, लेकिन यहाँ पे टोटल का कॉलम हमने बनाया नहीं था, बनाते तो भी हम यहाँ पर एड नहीं कर पाते। तो एड कैसे करेंगे, समस्या ये है। तो ऐड करने के लिए हमें क्वेरी बनानी पड़ेगी, तो क्वेरी पर जाना होगा। क्वेरी पर जाने के बाद आप एसक्यूएल व्यू का यूज कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारा इरादा है क्वेरी डिजाइन में जाने का। तो ये क्वेरी डिजाइन में जाएंगे और ये मार्कशीट को ऐड कराएंगे। जैसे ही ऐड कराते हैं, ऊपर आपको मार्कशीट वाली टेबल दिखाई पड़ेगी। अब इसको थोड़ा सा यहाँ से आप ड्रैग करके बड़ा छोटा कर सकते हैं, ये बड़ा छोटा यहाँ से हो जाएगा, ड्रैग वैग कर लीजिएगा। यहाँ पे रोल नंबर आ जाएगा, नेम ऑफ स्टूडेंट आ जाएगा, कंप्यूटर आ जाएगा, इंग्लिश आ जाएगा, जो भी चाहिए वो सारे सब्जेक्ट यहाँ पे आते चले जाएंगे। एस एस टी आ जाएगा, साइंस आ जाएगा, लेकिन टोटल तो आया ही नहीं। तो टोटल की क्या कहानी है, टोटल की कहानी यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पर आपको टोटल करना है, ठीक है। टोटल हमें यहीं पे करना है,
ठीक है, इस फील्ड को हम क्या नाम दे देंगे, टोटल नाम दे देंगे, ये टोटल नाम दे दिया। और यहां पर हमको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कैलकुलेट हम डबल स्क्वायर ब्रैकेट लगा के नहीं करेंगे, जैसे एक्सेस में क्या था, हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा के कैलकुलेट करते थे। अब देखिए एक्सेस में भी मैंने डेटा एंटर किया, यहां पर एवरेज का कॉलम हमने बना दिया है, यहाँ पे टोटल का कॉलम हमने बना दिया है, लेकिन यहाँ पर जबकि बेस डेटाबेस की बात करेंगे तो यहाँ पर पहले से कोई कॉलम नहीं बनाया था, यहाँ पर हम बना रहे हैं। और यहाँ पे डबल इंटेड कोड्स का यूज कर रहे हैं कैलकुलेट करने के लिए। तो पहला सब्जेक्ट हमारा क्या है, कंप्यूटर है, तो जैसे लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही मैंने लिख दिया कंप्यूटर। डबल इंटेड कोड्स को क्लोज किया, प्लस का निशान लगाया। अब यहाँ पे देखिए, फिर अब इसको थोड़ा सा मैं यहां से तो ये बड़ा नहीं होगा, अब हमें ऐसे ही देखना होगा, इसको थोड़ा मैं जूम करने की कोशिश करता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ये हो गया, कंप्यूटर लिख लिया हमने, और यहां पे फिर डबल इंटेड, अभी ये पूरा मैंने लिख दिया है, इसके साइज को मैं इंक्रीज भी कर देता हूं, तो आपको दिखाई पड़ेगा कि सब में डबल इंटेड कोट्स लगाते हुए मैंने इसको ऐड किया हर एक सब्जेक्ट को। तो यहां पे देख लीजिए इसको, और इस फील्ड को क्या नाम दिया, टोटल नाम दिया। और इस क्वेरी को जैसे मैंने रन कराया, तो ऊपर देख सकते हैं सुशील का टोटल किया गया। अब देखिए जादू, यहाँ पे रोल नंबर 2 किसका है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ राजेश, ठीक है, राजेश हो गया। और इसके बाद यहाँ पे 67 होगा, यहाँ पे 22 हो गया, जो भी मार्क्स इनको मिले हैं वो मार्क्स यहाँ पे डाल देता हूँ। और डालने के बाद यहाँ पे देखिए टोटल अपने आप कैलकुलेट होगा, ठीक है। अब यहां से जैसे ही हम हटते हैं तो यहाँ पे टोटल अपने आप आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 3 रोल नंबर, तो यहाँ लिखता हूँ एक और नाम, वसीम नाम लिख देता हूँ, और यहाँ पे आके अलग अलग मार्क्स जो दिए गए हैं वो सारे एंटर करता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे ही हटते हैं तो यहाँ पे टोटल अपने आप हो किया जाता है। लेकिन इसमें हमको एक और चीज चाहिए, एवरेज चाहिए, और यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करेंगे। पहले तो इस फील्ड को नाम क्या देना है, एवरेज देना है, तो यहाँ पे हमें एवरेज डालना होगा। तो ये एवरेज डाल दिया हमने, अब एवरेज कैलकुलेट कैसे होगा, देखिए भैया एवरेज जो कैलकुलेट होता है वो कैलकुलेट होता है टोटल के बेस पे, ठीक है। तो इस फील्ड को हमने नाम दिया है टोटल, तो यहाँ पर टोटल मैं लिखता हूँ, और इसको डबल इंटेड कोट्स में ही लिखना होगा, ये ध्यान दीजिएगा, स्क्वायर ब्रैकेट में ना लिख दीजिएगा, नहीं तो ये कैलकुलेट नहीं होगा। एक्सेस में आप स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है स्क्वायर ब्रैकेट का प्रयोग हमें नहीं करना है, ठीक है। तो टोटल अपॉन कितने सब्जेक्ट हैं हमें काउंट करना होगा, तो ये देखिए 1 2 3 4 5 फाइव सब्जेक्ट हैं, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद यहां से रन करना है, ठीक है। रन क्वेरी पे क्लिक किया, अभी ये क्वेरी एक बार रन हो चुकी है तो ये दोबारा रन नहीं होगी, इसके लिए हमें दूसरा क्वेरी बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रन होगा, ठीक है, एक ही बार में आप ये नहीं कर सकते, तो यहाँ पे दूसरी क्वेरी बनानी होगी, जिसको मैं डिलीट करता हूँ, और यहाँ से इस क्वेरी को रन, तो ये ऑलरेडी हो ही चुका है, तो यहाँ पे तो ये दिख ही रहा है आपको, ठीक है। अब दूसरी क्वेरी कैसे बनाएंगे, तो ये एक क्वेरी बन गई, ठीक है। अब इसको मैं यस करके सेव कर लेता हूँ। अब देखिए यही काम अगर आपको एक्सेस में करना है तो यहाँ से पहले इसको सेव कर लेता हूँ। अब देखिए ये तो हमारा बन गया, अब यहाँ पे रोल नंबर ऑटो नंबर है तो ये अपने आप आएगा। यहाँ पे एक्सेस में आएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नाम लिख देता हूँ, और यहाँ पे मार्क्स वगैरह दे देता हूँ, जो भी इनका मार्क्स है वो यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके का, अब यहाँ पे टोटल नहीं आएगा, ना ही एवरेज आएगा, देख रहे हैं। तो इसके लिए क्वेरी बनानी पड़ेगी, जैसे कि वहां पे दिखाया था हमने ओपन ऑफिस बेस्ड डेटाबेस में। तो यहाँ पे जाके अब क्वेरी बनाएंगे, क्वेरी डिजाइन में जाएंगे, और कैलकुलेट करने के लिए तो यहीं पे आते हैं अब, ठीक है। और यहां से आकर के और डबल क्लिक करेंगे, और यहां से ये आ गए, ठीक है, आ गए। अब यहां पर देखिए, यहां पर थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करेंगे, ठीक है ना, स्क्रॉल करेंगे इधर, ये देखिए ये स्क्रॉल किया, यहां पे आए। अब यहां पे देखिए, यहां पे कॉलन लगा करके आप स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं, जबकि वहां पे स्क्वायर ब्रैकेट हम नहीं बना रहे थे। यहां पे सबसे पहला सब्जेक्ट है कंप्यूटर, तो ये कंप्यूटर लिख दिया। सब्जेक्ट इधर उधर हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से लिखा गया है, जिस लेटर में लिखा गया है, वो सारी चीजें सेम होनी चाहिए। तो ये हो गया इंग्लिश, दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट क्या है, तीसरा सब्जेक्ट है आपका साइंस, SCIENCE साइंस हो गया, बंद किया, प्लस किया। यहां पर आएंगे तो SST अगला सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे SST लिख दिया, प्लस का निशान लगाया। फिर यहाँ पे अगला सब्जेक्ट क्या है, अगला सब्जेक्ट है मैथ्स, तो मैथ्स यहाँ पे लिखना होगा, तो यहाँ पे MATHS मैथ्स लिख दिया, और यहाँ पे बंद किया, और यहाँ पे ओके किया, ठीक है। अब ओके करने के बाद यहाँ पे एवरेज कैलकुलेट करना है, तो एवरेज भी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से कॉलन लगा करके स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, और यहाँ पे टोटल TOTAL टोटल अपॉन 5 कर देंगे, ठीक है। तो ये चूंकि 5 ही सब्जेक्ट है, तो ये एवरेज भी कैलकुलेट करके हमको दे देगा। और यहाँ पे देख लीजिए, ये 69 जो है यहाँ पे एवरेज आ चुका है। अब यहाँ पर इस तरीके से आप चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कोई दूसरा नाम एंटर कीजिए, अवनीश, ठीक है, तो ये अवनीश हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 57 78 22
और यहां पे 88 और यहां पे 90, ठीक है। तो ये कर दिया हमने और यहां पे 335 आया हुआ है, देख सकते हैं आप, और यहां पे एवरेज भी आ गया है। तो आप एवरेज इस तरीके से कैलकुलेट करते जाएंगे। अब थोड़ा सा आ जाते हैं ओपन ऑफिस पे। तो ये हमारा मार्कशीट हमने क्वेरी जो बनाई है वो देख सकते हैं, और उसके बाद जो दूसरी क्वेरी हमने बनाई उसको भी देख सकते हैं। तो दूसरी वाली क्वेरी देखना होगा कहां है, दूसरी वाली क्वेरी अभी नहीं बनाई, तो दूसरी वाली क्वेरी बनाते हैं। तो यहां से जाएंगे, ये क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे और यहां से ये मार्कशीट दिया, क्वेरी ही हम उठाएंगे, जो क्वेरी हमने लिया था उसी को उठा लेते हैं। ये आ गया क्वेरी हमारे पास, ठीक है। इसको क्लोज करेंगे और क्लोज करने के बाद क्या करना है, यहां से इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, यहां से इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। यहां पे रोल नंबर आ गया, नेम ऑफ स्टूडेंट आ गया, कंप्यूटर आ गया, इंग्लिश आ गया, मैथ्स आ गया, SST आ गया, साइंस आ गया और टोटल आ गया, ठीक है। तो ये आ गया। अब ये तो चीजें हमें चाहिए ही चाहिए, हमको यहाँ पे कैलकुलेट भी तो करना है एवरेज। तो यहाँ पे एवरेज लिखेंगे इस तरीके से, अलियास के अंदर एवरेज लिखेंगे और यहाँ पर अब डिवाइडेड कोट्स लगा करके टोटल अपॉन 5 कर देंगे तो हमारा काम हो जाना चाहिए, जहां तक मैं जानता हूं। तो यहाँ पे अब इसको सेव करेंगे, तो यहाँ पे इसको मैं मार्कशीट 2 के नाम से सेव करता हूँ, मार्कशीट 2। तो ये कर दिया मार्कशीट 2 और यहाँ एंटर कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे ओके कर दिया। अब यहाँ पे जो है ये देखिए, यहाँ पर टोटल वाला है ये, यहाँ पे एवरेज वाला ऊपर दिया गया मार्कशीट 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एवरेज भी कैलकुलेट होकर आपके सामने आने लगा है, ठीक है। अब हमको करना क्या, अब हमको फॉर्म बनाना है। तो फॉर्म के लिए फॉर्म पे क्लिक करेंगे, ध्यान दीजिएगा क्वेरी 2 हमें लेना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए दिया हुआ है यूज विजर्ड टू क्रिएट फॉर्म, तो हम यहाँ विजर्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये विजर्ड हमें चाहिए, हम मार्कशीट 2 नाम वाला ही पूरा डेटा लेंगे, तो इसको ले लेते हैं ये क्वेरी वाला, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहां से अगर आप सब फॉर्म बनाना चाहते हैं तो सब फॉर्म को भी ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। अब ये क्लिक किया हमने, और सब फॉर्म के लिए सब फॉर्म में कौन कौन से फील्ड चाहिए, तो सारे ही फील्ड ले सकते हैं आप, या इसको हटा भी सकते हैं, इसको रहने भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर हम सब फॉर्म नहीं बनाना चाहते हैं तो इसको हटाया भी जा सकता है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहां से इसको मैं फिलहाल रहने देता हूं, सब फॉर्म नहीं ऐड करता हूं, पहले ऐसे ही करके दिखाता हूं। ये आ गया। अब हमको डेटा किस सीक्वेंस में चाहिए वो देखना होगा, ठीक है। तो यहां पर डेटा जिस भी सीक्वेंस में चाहिए उस सीक्वेंस में आप लेके आ सकते हैं। तो ये मैं सीक्वेंस रखना चाहूंगा और यहां से जाकर के ये दिया हुआ है द फॉर्म इज टू बी यूज फॉर एंटरिंग न्यू डाटा ओनली। तो क्या आप फॉर्म को न्यू डाटा एंट्री करने के लिए यूज करना चाहते हैं, ये दिया हुआ है द फॉर्म इज टू डिस्प्ले ऑल डाटा, ठीक है। तो फॉर्म में सारे डेटा को डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो इसी पर टिक रख करके आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे 3D लुक दिया हुआ है तो इसी को मैं रहने देता हूं और इसको मॉडिफाई करके और मार्कशीट ये कर दिया मार्कशीट एफ के नाम से इसको सेव कर देता हूं और फिनिश कर देता हूं, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि यहां पर ये कुछ इस तरीके से आ चुका है, ठीक है। अब जो भी डेटा अब इसमें आप जो है ना यहाँ पे देखिए ये जो डिजाइन मोड ऑन ऑफ दिया है इस पर क्लिक कीजिएगा, ये ऑन हो जाएगा फिर ऑफ हो जाएगा, ये इस तरीके से आएगा, ठीक है। आप चाहे तो नीचे इसके लिए बटन वगैरह भी सेट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल जो क्वेश्चन मैंने दिया था उसमें बटन वगैरह सेट करने की बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से विजर्ड ओपन कर सकते हैं आप, पूरा अपना विजर्ड ये जो है यहाँ से विजर्ड पूरा ये ओपन हो जाता है और यहाँ से आप बटन वगैरह भी लगा सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर आपको दूसरा रिकॉर्ड देखना है तो यहाँ से नेक्स्ट रिकॉर्ड पे जाइएगा, ये रिकॉर्ड नंबर 2 है, ये 3 है, जितने रिकॉर्ड होंगे उतने आपको नजर भी आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आप रिपोर्ट भी डिजाइन कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। तो ये सब बहुत इजी है, आसानी से आप ये सॉफ्टवेयर बना पाएंगे और ये सॉफ्टवेयर आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। यही काम आप एक्सेस में भी कर सकते हैं, जैसे मैंने दिखाया यहाँ पे क्वेरी मैंने बना ली है, यहां से जाकर के आप ये मोर फॉर्म पे जा सकते हैं, यहाँ से फॉर्म विजर्ड पे जाएंगे, इसको सेव करेंगे पहले, तो इसको मैं फॉर्म एफ के नाम से सेव करता हूँ, फॉर्म एफ, ठीक है। और यहां से क्वेरी को यहां से ले लेता हूं और यहां पे जाकर के यहां पे आकर के लास्ट यहां मॉडिफाई डिजाइन पे क्लिक करके यहां से ओके करते हैं। तो ये आपको ये कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। अब यहां से आप छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं, यहां से जाइएगा इसको छोटा करिएगा बड़ा करिएगा जो करना है कर सकते हैं, ये बहुत आसान है, ठीक है। यहां पर आकर के क्या करना है आपको, पूरा सिलेक्शन में लेना है और सिलेक्शन में लेने के बाद यहां से जाकर के और फिर यहां पे चेंजेस करने होंगे, तो ये चेंजेस हम कर लेंगे। और यहां पर एक काम और करते हैं, यहां पर इस पर कलर प्रोवाइड कर देते हैं, ये जो दिया हुआ है ना
यहां से जाकर के टेक्स्ट का कलर एकदम ब्लैक करना है आपको, तो ये ब्लैक कलर में आ जाएगा, बोल्ड भी कर देंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ने लगेगा। और यहाँ पे आप कॉम्बो बॉक्स भी बना सकते हैं, वहां पर भी बना सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इससे आपका काम काफी हल्का हो जाएगा, आसानी से आप काम कर भी पाएंगे। तो ये हो गया, यहाँ से फाइंड अ रिकॉर्ड, इस पे टिक करके आगे बढ़ेंगे, रोल नंबर के इसमें फाइंड करना है, आगे बढ़ेंगे और यहाँ से जाकर के रोल नंबर वन को हटा करके यहाँ से फिनिश कर देंगे। और फिनिश करने के बाद आपको ये इस तरीके से नजर आएगा, यहाँ से इसको छोटा कर लीजिए और छोटा करने के बाद यहाँ से इसको सेलेक्ट करके, और ये कुछ इस तरीके से सिलेक्शन में लेंगे इसको, यहाँ पे क्लिक करके जब इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये जो है ना ये इस तरीके से आएगा। यहाँ पर भी क्लिक करके इसको ब्लैक बना लेंगे, और यहाँ पर ये जो बैकग्राउंड है ना इसको चेंज करना बड़ा जरूरी है, तो यहाँ से इसको चेंज कर लेते हैं। ये बैकग्राउंड ठीक ठाक है, आप चाहे तो कोई और दूसरा बैकग्राउंड भी चूज कर सकते हैं, जैसे ये सेम बैकग्राउंड जो ऊपर चूज किया था उसी तरह का ये भी है। यहाँ पर इसका भी कलर बदल सकते हैं, ये जो सेम कलर रखा हुआ है वो कलर भी दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से कलर आ गया है। अब यहाँ पे बटन्स वगैरह बनाना चाहे तो बना सकते हैं, ये बड़ा आसान है। यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे इसको ड्रैग कीजिएगा, बटन भी बन जाएंगे। ये सब चीजें पहले भी बता चुका हूँ, वहां पर भी आप बटन बना सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐड अ न्यू रिकॉर्ड का बटन हो जाएगा, यहाँ पर जाकर के फिर नेक्स्ट पे जाएंगे, फिर यहाँ से फिनिश कर देंगे तो ये ऐड न्यू रिकॉर्ड का, ये ऐड रिकॉर्ड का एक बटन आ जाएगा। यहाँ से इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ ताकि ये डार्क दिखे, और यहाँ पर इस तरीके से। अब मान लीजिए दूसरा बटन बनाना है, यहाँ से जाकर दूसरा बटन बना लीजिए आप, और दूसरा बटन बनाने के लिए इसे ड्रैग करिएगा, और यहाँ पे मैं गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड का बटन बना रहा हूँ, यहाँ से जाकर के नेक्स्ट करिएगा और यहाँ से फिनिश करिएगा, ये गो टू प्रीवियस रिकॉर्ड का बटन भी आपका बन के तैयार हो जाएगा। यहाँ पर जाकर के और इसको इस तरीके से कर दीजिएगा, और यहाँ पर आप इसको नीचे लेके आइएगा और ये सारा चीज हो जाएगा बहुत आसानी के साथ, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए इसमें करना क्या है, आपको नेक्स्ट काम ये करना है कि इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिएगा ऐसे, ठीक है। और छोटा करने के बाद क्या करना है, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से जाके फॉर्म आप चूज कीजिएगा, ये फॉर्म को चूज किया और यहाँ से जाकर के ये जो है ना ये यस करना है आपको, और ये यस करने के बाद यहाँ से अब आप इसको सेव करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सॉफ्टवेयर बनकर के रेडी है, ये देख सकते हैं ना। अब यहाँ से जाएंगे ना तो यहाँ पे रोल नंबर 2 किसका है वो चूज करेंगे तो सिर्फ वही रिकॉर्ड आपको दिखाई पड़ेगा। इसके लिए आप फिर रिपोर्ट भी डिजाइन कर सकते हैं जैसे कि आपने ओपन ऑफिस में किया था, यहाँ पे ओपन ऑफिस में ये रिकॉर्ड आपको दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे जाएंगे ना तो और भी चीजें प्रॉपर्टीज आपको मिलेंगी, ठीक है।